अगर आपको सूर्यवंशी देखने को नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, रोहित शेट्टी का होस्ट किए हुए शो को देख लो यार, खतरों के खिलाड़ी 2021 रिया सीजन 11 आ रहा है यार। काफी टाइम से वेट कर रहा था क्योंकि इसका जब टीजर देखा था जिसमें रोहित शेट्टी अक्षय कुमार के जैसे हेलीकॉप्टर से लटकते हुए अपने जीप में लैंड करते हैं, भाई वो चीज देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि कंटेस्टेंट छोड़ो, रोहित शेट्टी का स्टंट देख लो। भाई इस शो के अंदर में खास बात यह होती है कि डेयर डेविल चीजें दिखाई जाती है और जिसको देखने के लिए जो हम बेताब होते हैं कि कौन कैसा परफॉर्म करने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर ही मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आ गई थी जिसकी वजह से खतरों का खिलाड़ी देखने का मजा जो है थोड़ा किरकिरा हो गया था, क्योंकि जब बचपन में देखा करता था तो उस वक्त पता नहीं था। अब जैसे जैसे सारी चीजें देखने लग गया हूं तो समझ में आने लग गया है कि इसके अंदर में जो भी आवाज दिखाई जाती है, खास करके वो हंफने की हो, डरने का हो, या फिर कोई भी चीज किसी भी कंटेस्टेंट के ऊपर में छोड़ा जाता है और उस वक्त में जो चीखने या चिल्लाने की आवाज आती है, वो सभी आवाज जो है रियल नहीं जबकि एक इफेक्ट होता है, मतलब वो बैकग्राउंड में बस डाल दिया जाता है जिसका उस वक्त से और उस कंटेस्टेंट से कोई लेने देना ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम इंतजार करते हैं कि भाई कौन सा सेलिब्रिटी या फिर कौन सा ऐसा टेलीविजन एक्टर जो कि भाई इन सभी चीजों से डरता है या फिर बिल्कुल भी नहीं डरता, और एंड में जाकर के सबसे बड़ा डेयर डेविल कौन साबित होता है। तो भाई इस चीज का देखने का मजा ही अलग होता है। अब मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि क्या इस साल वो सारी चीजें दिखाई जाएंगी जो हमें सबसे ज्यादा एक्साइट कर पाए, क्योंकि इस साल दिखाया जाने वाला है शेर और राहुल वैद्य उस टास्क को जो है करने वाले हैं। इसके अलावा जो है कुछ टिकटॉक स्टार भी है जो कि इसके अंदर में देखे जाने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे कपल है जिसको देखने के लिए पब्लिक मतलब मरी सी जा रही है। चलो अगर आपको नहीं पता है कि फाइनल कंटेस्टेंट कौन कौन है और कौन कौन हमें शो में दिखने वाले हैं, तो चलो उन सभी कंटेस्टेंट का आपको नाम बता देता हूँ। सौरभ राज जैन, महक चाहल, आस्था गिल, अनुष्का सेन, निकी तंबोली, सना मकबूल, अभिनव शुक्ला, श्वेता, दिव्यांका त्रिपाठी, अर्जुन बिजलानी, विशाल आदित्य सिंह, वरुण सूद, राहुल वैद्य। अब देखो इन सभी कंटेस्टेंट में से सबसे ज्यादा अगर टीआरपी ला करके देने वाली है तो वो है दिव्यांका त्रिपाठी, निकी तंबोली, राहुल वैद्य। दिव्यांका त्रिपाठी टेलीविजन की बहुत बड़ी स्टार है तो भाई उनके वजह से तो आएगा ही टीआरपी, लेकिन लास्ट सीजन बिग बॉस के अंदर में राहुल वैद्य और निकी तंबोली थे तो भाई इनके वजह से जो है शो में कितना दम आता है वो देखने लायक होगा। वैसे मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी के अंदर में राहुल वैद्य इस शो के अंदर में फिक्स हो चुके हैं कि यही विनर होने वाले हैं। एक अगर फिक्स है तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन राहुल वैद्य का कैरेक्टर जैसा दिखता है कि वो डरते नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस शो को आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि उनके ना शक्ल में डर दिखता है और ना ही वो डरने वालों में से लगते हैं, वो सारे टास्क को बहुत ही इजीली कर जाएंगे, तो इसके वजह से हो सकता है कि वो शो को जीत जाए। लेकिन इंटरनेट में दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये विनर ऑलरेडी हो चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है विनर कौन होना चाहिए? रही बात इस शो का टेलीकास्ट होने का डेट, इस शो को टेलीकास्ट किया जाएगा 17 जुलाई 2021 को, यानी अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है और आपको फर्स्ट एपिसोड देखने को मिल जाएगा। वैसे शो रिलीज होने से पहले ही उन लोगों ने तो अपना वीडियो कर ही दिया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, शायद वो अब एलिमिनेट हो चुके हैं और शायद उसी वजह से जो है उनके पास कुछ वीडियोस है जो कि सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, प्लीज डू कमेंट, आपको क्या लगता है इस शो को लेकर के कमेंट करके जरूर बताना, और कोई ये मत कहना कि ये भी एक स्क्रिप्टेड शो है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, खतरों के खिलाड़ी के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, साइन एंड अस्ता ला विस्ता।